जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडी जी और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं प्रीलिम्स की मार्कशीट के बारे में और मेंस की मार्कशीट में टॉपर्स की। तो सभी को पता है कनिष्क कटारिया टॉपर रहे हैं, उनकी ये मार्कशीट है प्री की। तो ये देख लीजिए आप, पेपर फर्स्ट में उनके 106 नंबर हैं, यानी कि 53 क्वेश्चन। तो देख सकते हो आप कट ऑफ 98 गई थी और इनके 106 नंबर है, यानी कि थोड़े से ही ऊपर है ना। तो कुछ लोग पूछते हैं कि प्रीलिम्स में टॉप करना जरूरी है या फिर ज़्यादा नंबर लेके आना जरूरी है, ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल बस आपको क्वालिफाई कर जाना है बस। और सेकंड पेपर में तो आप सभी को पता है 66 नंबर लेके आने होते हैं, लेकिन इनके नंबर हैं 147। तो ये तो इसमें काफ़ी मैथमेटिक्स तो इनका सब्जेक्ट ही रहा है मूल, तो अपने आप में इसमें तो आने ही थे दैट नंबर, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखते, मायने रखता था केवल 106 नंबर है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेंस की मार्कशीट इनकी। देखिए ये मेंस की मार्कशीट है, मेंस की मार्कशीट में पहला जो पेपर होता है एससी का होता है, एससी आपका 133 नंबर का है, 133 क्वेश्चन सॉरी मार्क्स हैं इनके। और जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में 98 नंबर है, ठीक है। और जनरल स्टडी सेकेंड पेपर में 117 नंबर है, और थर्ड पेपर में 117 नंबर है, फोर्थ पेपर में 116 नंबर हैं। और मैथमेटिक्स जो कि इनका ऑप्शनल रहा था, मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर में 170 नंबर हैं और मैथमेटिक्स सेकंड में 191 नंबर हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नंबर हैं, एक तरह से ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में। और इन पेपर्स में भी काफ़ी अच्छे नंबर हैं इनके तीनों में, 117 17 17। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रख दिए हैं, लेकिन ये इनकी मेहनत के नंबर हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और इनके रिटर्न में टोटल नंबर आए थे 942 नंबर, और पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे इंटरव्यू बोला जाता है 179 नंबर थे। टोटल मिला के 1121 नंबर थे इनके, 1121 नंबर पर फर्स्ट रैंक आ चुकी थी। तो ये थी मार्कशीट। यदि आपको ये डाउनलोड करनी है मार्कशीट, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको अपने पास रख सकते हो। इस वीडियो को कर दें लाइक शेयर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें एग्जाम एडी जी। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।